का नजारा कमीज जी देख सकते हो क्या, जब वाटरफॉल का नजारा लेते हैं क्या शानदार दृश्य है। वाह वाह, मैं तो एक बार ये कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों को, एक बार गढ़ छिवाड़ा हल्देश्वर महादेव जरूर पधारे और इस वाटरफॉल और इस झरने का आनंद अवश्य ले। शानदार नजारा अब नीची को पूरे 24 घंटे याद हल्देश्वर महादेव छिवाड़ा जो कि जा रहे हैं। अभी हमारी यात्रा शुरू की गई है। ये हमारे स्टाफ छाते अमित कुमार पारिक, आपका क्या कहना है? बड़ी दुर्गम पहाड़ियां हैं और हमने काफ़ी दिनों से प्लान कर रखा था, पर आज सौभाग्य हमारा हुआ है जाने का और बहुत प्रसन्न हैं हम और बाबा के दर्शन करेंगे ज़रूर। और यहाँ पर आप आज ही आए या पहले कभी भी और आए हुए? नहीं, प्रथम बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें आने का। तो हम ये यार हम आज पहली बार ही आए हुए हैं और शानदार नज़ारा प्रकृति का, और हम आगे और बताएंगे आपको कितना शानदार नज़ारा देख सकते हो आप। आनंद क्या, वाह वाह, प्रकृति का सौंदर्य दृश्य। जो ये हम बता रहे हैं रेगिस्तान का इलाका, लेकिन वास्तव में ऐसा लगता है कि रेगिस्तान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का इलाका लग रहा है। हमारे को चढ़ते चढ़ते काफ़ी आनंद की महसूस सी हो रही है और हमारे को वह दिन याद आ गए सन 2018 में वैष्णो देवी की यात्रा की थी। हम आपको और बताएंगे आगे कितना शानदार नज़ारा। हम पहुँच गए रेगिस्तान में, भी देखो झरना चल रहा है और देखो झरने का आनंद लेते हुए अमित जी, देखो क्या, देखो मिनरल वाटर भी फेल हो गए। यहाँ पर देखो शानदार पानी चल रहा है और हम सब ने पानी पिया है। एक बार आप भी हल्देश्वर महादेव जरूर आइए और आनंद लीजिए। अम्मी जी देखो जैसे स्वर्ग का आनंद ले रहे, आनंद और क्या आनंद है, क्या शानदार नज़ारा है। वाह, पानी भी बहुत शानदार मीठा। वाह, कौन कहता है कि रेगिस्तान में पानी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं, आने वालों की कमी है यहाँ पर। हाँ, क्या शानदार पानी, शानदार पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। हमारा ये दूसरा पड़ाव हो चुका है, हम यहाँ पर इंतजार विश्राम कर रहे हैं क्योंकि चढ़ाई काफ़ी होने के कारण थकान हो गई है, इसी कारण हम बैठ गए हैं। 5 मिनट विश्राम करेंगे फिर यहाँ से पछतान होंगे। श्रद्धालु कितना शानदार नज़ारा, प्रकृति का लुक है। लोग बाग दूर दूर से आए हुए हैं और आनंद ले रहे हुए हैं। चलते चलते हम चल रहे हैं, कितना शानदार नज़ारा देख सकते हो। चल रहे हैं, चलते चलते और चढ़ाई आ गई है, देखते हैं चढ़ाई का आनंद लेंगे। कितना शानदार नज़ारा, और कहते हैं कि वास्तव में कि ये तो, और कहते हैं कि ये छिवाड़ा राजस्थान का माउंट आबू कहलाता है, वास्तव में ही कहलाता है। देखो कितना शानदार नज़ारा, पहाड़ी चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है आपको। कितना आनंद और लुकिंग देख सकते हो, कितना चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, शानदार नज़ारा है। आप भी एक बार अवश्य हल्देश्वर महादेव गढ़ छिवाड़ा बाड़मेर राजस्थान में
एक बार अवश्य आए। अंकल यार एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं? कितना मनमोहक दृश्य, शानदार नजारा, आनंद, कितना दृश्य शानदार दृश्य। देखो अम्मी की आनंद, जय जय शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पहुंच के बहुत शानदार जगह पर, लेकिन थकान के कारण हम यहाँ बैठ गए हैं, थोड़े एक विश्राम करते हैं, फिर यहाँ से चलेंगे। अभी तक हम आधे पहुँचने वाले हैं। पहुँच गए हैं, थकान आने के कारण हम लोगों ने शर्ट तो खोल दिया है, और अब क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देख सकते हैं पीछे कितना शानदार नज़ारा देख सकते हो। और अब हम सेल्फी वेल्फी लेंगे, और ये देख सकते हो इधर पानी है, झरना चल रहा है, कितना शानदार नज़ारा। लेकिन हमारे चेहरे की मुस्कान गई, शानदार झरने चलते हुए ये देख सकते हो, हमारे अमित जी है और आनंद ले रहे हैं झरने में। अभी तक और आगे चलेंगे आराम से, बहुत सारे पब्लिक आए हुए, देखो किस सारे सिद्धेश्वर महादेव पहुंच गए हैं, और बरसात का आनंद आ रहा है, आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा झरना चल रहा है, कितना शानदार नज़ारा, कितना कितना शानदार नज़ारा, कितना शानदार दृश्य, कितना शानदार ले रहे, आनंद आ रहा, देखो क्या हुआ हुआ झरना, आनंद ही आनंद, प्रकृति के साथ देखो कितना तालमेल करे हुए। और अपन चढ़ते हैं ऊपर, ऊपर चढ़ने पर पता चलेगा कितना आनंद लेते हुए, आनंद लेते हुए और इस झरने के पास पहुंच चुके हैं। शानदार लुकिंग, शानदार नज़ारा, क्या शानदार लुकिंग, इस झरने का आनंद के साथ ले रहे हैं। और ये झरना हल्देश्वर महादेव मंदिर गढ़ शिवाना बाड़मेर में है। क्या प्रकृति का लुक है, आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे हो कि हमारे स्टाफ चाहते हैं, क्योंकि अमित कुमार पारेख, कितना कितना शानदार नज़ारा, चारों ओर नज़ारा, आनंद ही आनंद आ रहा है। लुकिंग ये बाड़मेर, कौन कहता है कि बाड़मेर और पानी नहीं, आओ बाड़मेर और पानी से आपको लबालब भर दे, शानदार नज़ारा जी देख सकते हो, क्या जब वाटरफॉल का नज़ारा लेते हैं, क्या शानदार दृश्य है, वाह वाह। मैं तो एक बार ये कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों को, एक बार गढ़ शिवाना हल्देश्वर महादेव जरूर पधारे और इस वाटरफॉल और इस झरने का आनंद अवश्य ले, शानदार नज़ारा। अम्मी जी को पूरे 24 घंटे याद सर, नाम करते हुए देखो आप ऊपर भी कुछ दिखाई दे रहे होंगे, क्या लुकिंग है, क्या शानदार प्रकृति का अद्भुत नज़ारा, यह सिर्फ आपको बाड़मेर में गढ़ शिवाना में देखने को मिलेगा। देख सकते हो कितना शानदार नज़ारा। नीचे उतरने वाले हैं, वह जो गाड़ियाँ दिख रही हैं
वहाँ हमारी गाड़ी पड़ी हुई है और हम लास्ट स्टॉप पर पहुँच चुके हैं। अमित जी भी ये चल रहे हैं और हाय हेलो और बाकी चल रही रहे आपको, और हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और बताते रहेंगे आपको। वाटरफॉल का नजारा लेते हैं, क्या शानदार दृश्य है, वाह वाह। मैं तो एक बार ये कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों को, एक बार गढ़ शिवाना हल्देश्वर महादेव जरूर पधारे और इस वाटरफॉल इस झरने का आनंद अवश्य ले। शानदार नजारा, अम्मी जी को पूरे 24 घंटे याद। बोलो हर हर महा।